सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो थैंक्स फॉर वंस अगेन जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी व्यूज काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। एक साल से मैंने जो वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह था मैंने उसे बंद कर दिया था, तो मेरा जो चैनल था वो फ्रीज हो गया था। दो तीन वीडियोज बनाए उसमें एक या दो व्यूज कुछ आ रहे थे, लेकिन अभी एक दो से 10, 15, 20, 50 और कुछ शॉर्ट्स डाले ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए 1000 के समथिंग व्यूज आ रहे हैं। तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब अनफ्रीज चैनल भी फ्रीज हो, जो सॉरी फ्रीज जो हो चुका था मेरा चैनल वो अनफ्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके। होपफुली मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, वीडियोज बनाता रहूंगा, जो भी लाइफ में जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है ट्रैवल किया है, मोस्ट ऑफ 10-11 साल का जो एक्सपीरियंस है वो जॉब रिलेटेड ही है, ज्यादातर उसी की पर्पज उसी की वजह से ट्रैवल किया है। और लाइक रहता ना फन एंटरटेनमेंट, इसके पर्पज मैंने ट्रैवल नहीं किया। जितना भी ट्रैवल किया है कहीं पे भी गया हूँ, कोई भी कंट्री में, कोई भी फील्ड के अंदर, सिर्फ जॉब जॉब जॉब। तो जितना भी स्टोरी है आगे के 10 साल जो भी मैं बनाऊंगा वो पूरा रिलेटेड कंटिन्यू तब तक रहेगा तब ये जॉब वाला जो दलदल है वहां से मैं जब तक नहीं निकलूंगा तब तक लाइफ में वीडियोस कंटिन्यू करूंगा। अब मैंने एम कर लिया है 1 साल या 6 महीने तक ये चैनल बंद करो, ऑलमोस्ट काफ़ी सक्सेस हो चुका था लेकिन मैंने उसे ड्रॉप कर दिया था कुछ पर्सनल इशू की वजह से, या तो कहो तो भटक गया था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि भाई तेरा अच्छा खासा वीडियोस हो रहा था, अच्छा खासा तू अर्निंग कर रहा था, अचानक क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा ऐसा था, प्रॉब्लम हुआ था। तो उसी ने ये डायलॉग कहा कि भाई तू भटक गया, रास्ते में वापस आ जा, उसे वापस चालू कर, टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो वापस पड़ता जाएगा। अब सीधा स्टोरी पे, म्यांमार ब्लॉग चल रहा है अभी, तो मेरा पहला ऑफशोर, पहला जो ऑफशोर फील्ड है प्लेटफॉर्म, शिपिंग नहीं, छोटे मोटे वेसल्स, कार्गो वगैरह, ऑयल टैंकर या फिर बोट पोर्ट में, ये सब चीज़ों में मैं पहले थोड़ा थोड़ा काम कर चुका हूँ। लेकिन ऑफशोर प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रूड ऑयल, जिस तरह गल्फ कंट्री में जमीन से तेल निकलता है उसी तरह समुद्र से भी जहां पर तेल निकलता है उसे ऑफशोर फील्ड कहा जाता है। उसके अंदर प्लेटफॉर्म्स, रिग, काफी तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, रिग्स लगते हैं, रिग्स आके उसे ड्रिल करता है, ड्रिल करने के बाद उसमें पाइप डालता है और उस पाइप को खींचने में, प्रोसेस में, वो प्लेटफॉर्म का जो पूरा काम है वो पूरा उस ऑयल रिग प्लेटफॉर्म के अंदर होता है। फिर वहाँ से प्रोडक्शंस होते हैं, केमिकल अलग होते हैं, काफ़ी अलग अलग लाइंस होते हैं, उसके अंदर काफ़ी अलग अलग जॉब्स भी हैं। तो वो फील्ड के अंदर मैं घुसा 2013 के अंदर, 2013 के अंदर इस फील्ड के अंदर ऑफशोर प्लेटफॉर्म के अंदर मैं घुस चुका हूँ। तो अब बोट में मैं ट्रैवल किया पहली बार, 14 घंटे तक मुझे कुछ ज़्यादा इतना नहीं, क्योंकि जो ट्रैवलिंग पीरियड था वो पोर्ट से, मतलब यंगून म्यांमार के जो शिपिंग पोर्ट है, यार्ड है, वहां से बीच समुंदर के प्लेटफॉर्म तक 14 to 17 hours का ट्रैवलिंग था। तो 10 to 14 hours में मुझे कुछ खास फीलिंग नहीं हुआ। उसका रीजन ये कि जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह था वो हैवी काफ़ी ये था, मैं समझ सकता हूँ कि भाई कम एज में अगर अच्छा खासा हाइट बॉडी मिलना भी एक बेनिफिट पॉइंट है, लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आपको टाइम लगता है समझने में काफ़ी चीज़ें। और जो लोग मेरे साथ थे जितने भी थे उन्हें लगता था कि भाई काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा बॉडी है, उन्हें ये नहीं पता था कि भाई ये फ्रेशर है, पहली बार आ चुका है, तो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे। और मुझे इतना आइडिया हो चुका था कि सवाल जवाब उन लोगों से करो जो आपको सपोर्ट में करे। तो फील्ड में काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। अब सीधा बोट के अंदर, बोट का सीन कुछ ऐसा होता है कि 10-14 घंटे नॉर्मली एक बंदा आराम से मेरे पास में आता है, कम से कम वो 3 से 4 बार वॉमिटिंग कर चुका है कंटिन्यू, क्योंकि उसे सी सिकनेस हो चुका है। अब मेरे पास आके यही बोलता है कि भाई तुझे कुछ फीलिंग नहीं हो रहा? तो मैंने कहा कि यार अब तक तो इतना हो गया, हम लोग ऑलमोस्ट लगते हैं पहुंचने ही वाले, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं एकदम एक्साइटमेंट में, मेरे अंदर चल रहा था कि भाई एक नए फील्ड में हूँ, एक नए लोकेशन में, इंटरनेशनल लेवल में आप जा रहे हो, जिस जहाज पे हो वो अदर कोई कंट्री का है, आप कोई और कंट्री पे हो, आप जहाँ काम करने वाला वो कोई और कंट्री का कंपनी है। तो मेरे माइंड में वही चल रहा था कि काम क्या है, कैसे आगे बढ़ूँ, कैसा पैसे कमाऊँ, कब सैलरी मिलेगा, क्या यही मन में दौड़ रहा था। लेकिन जो बंदा था, जो लोग थे, उनके मन में क्या दौड़ रहा था कि ये जो झंझल है सी सिकनेस का, जब हम लोग वॉमिटिंग कर रहे हैं, चक्कर आता है शिप के अंदर, तो यहाँ से निकल के वो प्लेटफॉर्म में कब पहुंचे, कि प्लेटफॉर्म और वहां पर अकोमोडेशन बार्ज होता है, मतलब अकोमोडेशन जहाज होता है जहां पर क्रू मेंबर 200-300 तक वहां पर आप रह सकते हो, और वो जहाज ज्यादातर मेंटेन रहता है क्योंकि उसके पास 7 से 8 एंकर जुड़े हुए हर एक डायरेक्शन में रहते हैं और वो उसे स्टेबल करता है, ताकि जब भी सी रफ या तूफान वगैरह या फिर झटके लगते हैं ना, तो वो उसे खींचता है, एकदम 0-0 नहीं रहता,
लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहता है। फिर भी अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, पहले कभी आपने शिपिंग में काम नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो आपको 3 से 4 दिन आपको सी सिकनेस होगा ही होगा अगर आप फर्स्ट टाइम हो। उसका सॉल्यूशन वही है, थोड़ा हल्का सा समुद्र का पानी पी लो। मैंने भी पिया था, तो जब मैंने पिया तो मेरा बॉडी का लेवल था वो जो अर्थिंग शिपिंग में क्या ऑफशोर फील्ड में अर्थिंग बॉडी को मिलता नहीं है। आप जमीन पे हो, अचानक आप समुद्र में आते हो, तो आपको वो एटमॉस्फेयर चेंज होता है, बॉडी का पूरा अंदर का पूरा सब कुछ चेंज हो, आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट करना कर देता कि भाई मैं अभी कोई दूसरी ऐसी जगह पर जहाँ पर मेरा बॉडी झेल नहीं पाता। इसीलिए आर्मी वगैरह नेवी वगैरह में काफ़ी ट्रेनिंग, काफ़ी मेडिकल होता है। तो थोड़ा सा हल्का सा समुद्र का पानी पी सकते हो, थोड़ा सॉल्टी रहता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सॉल्टी रहता है। और म्यांमार यंगून का जो पोर्ट का एरिया है ना, पूरा ब्राउन कलर का, एकदम दलदल कीचड़ जैसा है यार, समुद्र का फीलिंग ही नहीं आता। गटर में हो, मतलब दलदल में वगैरह रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, झरना, नॉट झरना, गाँव में वो खेत में कैसा दलदल रहता है, तो वैसा कीचड़ कीचड़ टाइप का पूरा एरिया है। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन 4 घंटा ट्रैवल करने के बाद जब भी समुंदर में पहुंचे तो पूरा ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू को, आसमान पूरा साफ, अलग अलग तरह के फिशेस देखने को मिलेंगे। और काफ़ी मैंने बहुत कुछ देखा, वेल, शार्क, डॉल्फिन, अलग तरह के फिश तो मैंने देखे, इतना जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, इस तरह के वैरायटी के मैंने फिशेज देखे। और बोट में फीलिंग यही होता है, बंदा मेरे पास आता है, कहता है कि तुम्हें कुछ हो नहीं रहा, ये बंदा बोल के जाने के बाद तब मेरा माइंड क्या है, जहां पर घूम रहा था ना, वहां से डाइवर्ट होके अपने बॉडी स्ट्रक्चर में आता है। तो जब ये बंदा ये मेरे पास आके, क्रू मेंबर ही था, आके बोल के गया कि तुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, झटका साला उधर से लगना स्टार्ट हो गया कि अब मैं अपने आप को बोल रहा था कि भाई अब मुझे महसूस करना चाहिए, मेरा सोच कहीं और था। फिर हल्के से बॉडी थोड़ा हिलना स्टार्ट हो गया, वाइब्रेशन टाइप का होने लगा, हेड काफी पकड़ लिया, सर दर्द काफी पकड़ लिया, फिर जाके वॉमिटिंग स्टार्ट होता है। तो 1-2 घंटा ऐसा ही सिलसिला चलता है, उस पीरियड में आप कुछ खा नहीं पाओगे, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब ये कंटिन्यू होने लगा तो काफ़ी लोग बीमार हो गए। फिर जो वहाँ का जो बोट का जो कैप्टन था, उसने सबको थोड़ा थोड़ा सॉल्टी वाटर पिलाया था समुंदर का, उसके पास एक बकेट में भरा हुआ था, तो वो थोड़ा पीने के बाद थोड़ा बॉडी फिर भी 3-4 दिन तक मेरे अंदर उस लेवल को सेट होने में काफ़ी टाइम लगा। अब जो हमारा प्लेटफॉर्म था, बड़ा सा प्लेटफॉर्म, जब मैं पहली बार उस चीज़ को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई होटल के अंदर हूँ, गई दूर से ऐसा ही लग रहा था, चमचमाता काफ़ी लाइट से। लेकिन थोड़ा और पास में आया तो उसके बैक साइड में एक आग से एक फ्लेयर है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर धुआं निकल रहा है। थोड़ा और पास में आया तो देखा तो चिंगारी निकल रहा है, आग का एक बहुत बड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक ब्लास्ट कैसा होता है बॉम्ब का, जिस तरह आग निकलता है वैसे ही फ्लेयर निकल रहा है, और उसका हीट जो है वो बोट तक पहुंच रहा था। तभी मैं समझ गया था कि ये कोई डेंजर गैस है जिसे फ्लेयर में जला के निकाल रहे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि इस फ्लेयर को क्यों इस बीच समुद्र में जलाया है, क्या कोई पॉइंट है, क्या कोई व्यू है कि कोई आए उसे देख सके कि भाई यहाँ पर कुछ है, एग्जैक्ट रीजन क्या है। मुझे आगे धीरे धीरे मेरे जॉब वर्क फील्ड में मुझे पता चल रहा है। अब प्लेटफॉर्म में पहुंच रहा हूं, प्लेटफॉर्म में पहुंचने से पहले अकोमोडेशन बार्स में आपको चेंज करना है, आपका जो बोट है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था वो धीरे धीरे अकोमोडेशन बार्स, जो मेरा शिप है उसके पास में आ रहा था। अब वहाँ से वो रोलिंग है, मतलब ये शिप है, ये बोट है, तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब इस लेवल से आपको चढ़ के जाना है, अब ये सीधा होगा तो आप यहाँ से जंप कर सकते हो एज अ रोप, अगर ये इतना लेवल पे है तो आप जंप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर होता है लैडर, तो इस लैडर से आपको चढ़ के पकड़ के जाना है। अब ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा लग रहा था कि कोई एडवेंचर कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे लगा, लेकिन मैंने कुछ मर्चेंट नेवी के टाइम में ट्रेनिंग किया था कि ये मंकी लैडर, स्पाइडर लैडर में चढ़ना कैसे, इसे अलग अलग नाम होता है, कोडिंग नाम होता है शिप में, मंकी लैडर, स्पाइडर लैडर। तो रस्सी है, लटका हुआ है, बैग वगैरह सामान जो भी है वो आपके लगेज से क्रेन से उठा के लेके जाएंगे। एक और है, अगर काफ़ी रफ है, काफ़ी मतलब नहीं पॉसिबल है, आप चढ़ नहीं सकते, तो क्या करेगा कि अकोमोडेशन जहाज में क्रेन रहता है, मोबाइल क्रेन कहते हैं, जो स्टेबल रहता है, वो क्रेन आपको बास्केट, मेन बास्केट बोलते हैं उसे, उसके अंदर 6 से 8 कैपेबिलिटी लोग, पीपल लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्रेन धीरे धीरे उस बास्केट को बोट में उठा देगा, और उस बोट में जब वो बास्केट टच होगा तो आपको क्या करना है, दौड़ के जाके उसे पकड़ना है, क्योंकि वो तुरंत ही उठा लेगा, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंसिंग रहेगा, काफ़ी हिलता रहेगा। फिर वहाँ से उठ के वो आपको शिप के जो डेक पॉइंट है वहाँ पर आपको उतारेगा। अब
इसके बाद शिप का नज़रिया कैसा है, शिप में क्या क्या होता है, क्या क्या पहले करना चाहिए, और इसके बाद मेरा जो एक्चुअल हेल्थ था वो फिर कैसा बीता, फिर मुझे क्या आगे प्रिकॉशंस लेने पड़े, कितना टाइम लगा और मुझे क्या काम करना है, वो एग्जैक्ट मुझे पता चलता है वहाँ पर पहुँचने के बाद। अब उसका वीडियो, उसका सेशन मैं अगले पार्ट में बनाऊँगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चाहे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, जो जो लोग यूट्यूबर बोलते रहते हैं, काफ़ी मैं पहले बोलता था लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।